नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव सेवन। बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण की जो मतदान हुई थी उसका आज परिणाम घोषित कर दिया गया। जो जो उम्मीदवार जीत दर्ज किए हैं उनके घर में पटाखे फूट रहे हैं, उनके घर खुशियां हैं। आपको बता दें कि जनता ने जिन पर विश्वास किया, जिन्हें अपना मत दिया, वह आज जीत गए हैं। जहानाबाद जिले के मखदुमपुर में भी 7वें चरण में मतदान हुआ था, लिहाजा आज सभी के परिणाम घोषित कर दिए गए। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस पंचायत से कौन मुखिया बने हैं, किनके कंधों पर 5 साल तक पंचायत की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जनता ने किन पर भरोसा किया है। तो हम आपको सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि कौन मुखिया कहां से जीत दर्ज किए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुनहद्दा जो पंचायत है वहां से निभा कुमारी जो है मुखिया बनी है, जबकि कुमारडीह जो पंचायत है वहां से भुवनेश्वर दास जो है मुखिया बने हैं। आपको हम बता दें कि मंझोस जो पंचायत है वहां से राम निवास शर्मा जो है मुखिया बने हैं, जबकि कंचनामा जो पंचायत है वहां से राजेश कुमार मुखिया बने हैं। पश्चिमी श्रेण जो है वहां से सविता देवी मुखिया बनी है, तो वहीं जो पूर्वी श्रेण है वहां से सीता रानी जो है कुमारी वो मुखिया बनी है। कोहरा पंचायत जो है वहां से कमालुद्दीन जो है विजेता बने हैं, मुखिया बने हैं, जबकि हम आपको बता दें कि सुगांव से रंजू देवी मुखिया बनी है। आपको बताते चले कि कलानौर जो पंचायत है वहां से सीता देवी मुखिया बनी है, जबकि मलाठी जो पंचायत है वहां से धीरज कुमार मुखिया बने हैं। हम आपको बता दें कि सुमेरा जो पंचायत है वहां से विपुला देवी विजेता बनी है, मुखिया बनी है। आपको बता दें कि छरियारी जो पंचायत है वहां से रीना कुमारी मुखिया बनी है, जबकि सोलहंडा जो पंचायत है वहां से भुवनेश्वरी देवी जो है मुखिया बनी है। आपको हम बता दें कि जगपुरा पंचायत से सोनी कुमारी मुखिया बनी है, जबकि मकरपुर पंचायत से अजीत कुमार जो है मुखिया बने हैं। आपको हम बता दें कि रामपुर जो पंचायत है वहां से संजय चौधरी मुखिया बने हैं, जबकि धरनई पंचायत से गुड्डू कुमार जो है मुखिया बने हैं। डकरा जो पंचायत है वहां से जितेंद्र कुमार मुखिया बने हैं, जबकि धराउत जो पंचायत है वहां से धनंजय कुमार जो है मुखिया बने हैं। तो वहीं जो भैंक पंचायत है वहां से दिनेश मांझी मुखिया बने हैं, जबकि जमनगंज जो पंचायत है वहां से उषा देवी मुखिया बनी है। तो यह जो है मुखिया बनने वाले लोग जो हैं, जिन्होंने अपना जीत दर्ज किया है, उन लोगों की लिस्ट थी। हम उनका नाम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। मखदुमपुर पंचायत का जो है आज परिणाम घोषित किया गया। आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के 7वें चरण में जो है मखदुमपुर में मतदान हुआ था, लिहाजा आज जो है सभी के परिणाम घोषित कर दिए गए। आपको यह बता दें कि जहानाबाद जिले में अब जो है पंचायत चुनाव खत्म हो गया है 7वें चरण में ही, मतलब 7वां चरण जो था वो आखिरी चरण था जहानाबाद के पंचायत चुनाव के लिए। अब जो है जहानाबाद में पंचायत चुनाव नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए कि अगले 5 साल तक जहानाबाद जिले के किस पंचायत से कौन मुखिया रहने वाले हैं, इसका हम आपको सिलसिलेवार तरीके से जब भी रिजल्ट आया, परिणाम आया, आपको बताते रहे हैं। अब जो है अगले 5 साल तक यही लोग मुखिया रहेंगे, पंचायत का विकास करेंगे। जो मखदुमपुर से जीते हैं, जीत दर्ज किए हैं, उन सभी को हम शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता से जो विश्वास प्राप्त हुआ है, जनता से जो वादा करके आए होंगे उस पर खरा उतरेंगे और अपना काम अच्छे बेहतर ढंग से करेंगे, जनता का विकास करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि कौन मुखिया कितना जो है अपने वादा में सफल होते हैं, खरा उतरते हैं, या फिर झांसा देकर मुखिया बन जा गए हैं और अब काम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढोंग करेंगे। तो देखते रहेंगे, जैसा होगा जो भी होगा हम आपको बताते भी रहेंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हर पंचायत के मुखिया विकास करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।